उधर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में ही जिम्मेदार मिलावट ना कर पाए, इसके लिए केंद्र सरकार गंभीर है। कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भूमिका पर उठते सवालों के बीच FSSAI खुफिया कैमरे वाली जैकेट लॉन्च करने वाला है। आप भी देखिए इस जैकेट के पीछे की मंशा और मिलावटखोरी के कारोबार पर कैसे कसी जाएगी नकेल। प्रदेश में मिलावटखोरी रोकने के लिए जारी गहलोत सरकार के शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में अब और सख्ती देखने को मिलेगी। नई कवायद के तहत अब खाद्य सुरक्षा अधिकारी विशेष तरह की हाईटेक जैकेट पहनकर फील्ड में जाएंगे। इस जैकेट में एक तरफ जहां खुफिया कैमरा होगा जो मिलावट के खिलाफ जारी पूरी कार्रवाई पर पैनी निगाह रखेगा, तो दूसरी तरफ QR कोड के जरिए ये भी पता चल सकेगा कि जो अधिकारी कार्रवाई करने पहुंचा वो असली है या फिर नकली। अभी जो FSSAI के द्वारा एक जो सर्कुलर जारी किया गया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा भ्रमण के दौरान खाद्य सैंपल लेने के दौरान एक जैकेट पहनेंगे, वो जैकेट सभी चीजों से लैस होगी, जिसमें कैमरा होगा, रिकॉर्डिंग होगी, सभी तरह की सुविधाएं उसमें होंगी। FSSAI ने नई जैकेट की मंशा बताते हुए सभी राज्यों के फूड कमिश्नर को एक पत्र भेजा है, साथ ही ये भी जानकारी मांगी है कि स्टेट में कितने खाद्य सुरक्षा अधिकारी मौजूद हैं और उन्हें किस साइज की जैकेट की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा दोनों ही मिलावटखोरों के खिलाफ बेहद सख्त हैं। इस सख्ती में FSSAI का हाईटेक हथियार काफी कारगर साबित होगा। उम्मीद है कि अब मिलावटखोर नहीं बच पाएंगे। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। चलिए इसके साथ बुलेटिन में इतना है, लेकिन छूट गई हो आपसे कोई खबर, नहीं देख पाए हमारा कोई शो, तो वेबसाइट पर लॉग इन करें www.zeerajasthan.com पर।